हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान पेट का टाइट और कड़क होना, हर तिमाही में इसके अलग अलग रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्वींस प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में। तो पहली तिमाही के दौरान आपका जो गर्भाशय होता है वो धीरे धीरे बढ़ना एंड धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर देता है। तो इस दौरान आपको पेट टाइट महसूस हो सकता है और इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गैस और कब्ज की समस्या होने पर भी आपका पेट टाइट हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका पेट कड़क होने के साथ साथ आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है एंड आपकी कमर के निचले हिस्से में भी दर्द होता है और आपके वजाइना से ब्लीडिंग होती है और टिश्यू डिस्चार्ज होते हैं, तो ये आपके मिसकैरेज का संकेत होता है। तो ऐसे में आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, और ऐसा ज्यादातर ट्वींस प्रेगनेंसी के 12 वीक से पहले होने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं दूसरी तिमाही में। तो ट्वींस प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में गर्भाशय का साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से पेट का भी साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है और आपकी मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिस वजह से आपके लिगामेंट्स भी खिंचने लगते हैं और जिस वजह से आपको पेट में ऐंठन और चुभन वाला दर्द भी हो सकता है, और दूसरी तिमाही में आपको कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं जिस वजह से आपका पेट टाइट और कड़क थोड़ी देर के लिए हो जाएगा और उसके बाद में अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी तिमाही में पेट टाइट होना या फिर पेट में दर्द होना प्रीमैच्योर लेबर के संकेत भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्वींस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में। तो तीसरी तिमाही में पेट का टाइट और कड़क होना आपके लेबर पेन का भी संकेत होता है। अगर आपका तीसरी तिमाही में पेट टाइट बहुत जल्दी जल्दी होता है एंड आपको जल्दी जल्दी दर्द भी आते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है। और इसके अलावा आपका गर्भाशय बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आपको पेट एकदम से खिंचा हुआ, तना हुआ महसूस रहने वाला है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और कई बार अगर आप पानी बहुत कम पीती हैं तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से भी आपका पेट टाइट रहता है। और अगर आप प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम के दौरान बहुत ज्यादा खाती हैं एक ही बार में, तब भी आपका पेट बहुत ज्यादा टाइट और कड़क हो जाता है। और इसके अलावा जब आपके बेबी पेट में लात मारते हैं तो भी पेट टाइट और कड़क हो जाता है, बट ये अपने आप ही थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। और अब आपको कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहली बात कि आपको पानी बहुत ही ज्यादा और अच्छी मात्रा में पीना है एंड इसके अलावा आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में ना तो बैठना है और ना ही खड़े रहना है। टाइम टाइम पर आपको अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है। इसके अलावा आपको बिस्तर पर या फिर कहीं भी बहुत तेजी से ना तो बैठना है और ना ही एकदम से उठना है। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है और आपको दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। और आप अपने पेट पर मालिश कर सकती हैं, गुनगुने पानी से नहा सकती हैं, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्वींस प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में आपका पेट बहुत ज्यादा खिंचा हुआ, तना हुआ एंड बहुत ज्यादा टाइट टाइट सा रहने वाला है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये आपका गर्भाशय बढ़ने की वजह से होता है। बट आप याद रखें कि पेट कड़क होना अगर आपका थोड़ी बहुत देर के लिए होता है एंड उसके बाद में चला जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन अगर आपका पेट कड़क बहुत लंबे समय तक रहता है और आपको साथ ही बहुत तेजी से दर्द भी होता है और आपको एक घंटे में 4 बार से भी ज्यादा आपका पेट टाइट होता है और आपको पेट टाइट होने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है और आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।